उत्तराखंड सरकार हर साल तमाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करती है। 8 अगस्त को वीरांगना तीलू रौतेली का जन्म हुआ था। उनकी याद में हर साल उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरियों को जिलेवार तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, लोक गायिका पद्मश्री माधुरी बर्थवाल, संस्कृत विकास परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट मौजूद रहे। उत्तराखंड की वीरांगनाओं को मिला तीलू रौतेली पुरस्कार। इसी क्रम में साल 2023-24 के लिए चयनित 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित 13 वीरांगनाओं में खेल के क्षेत्र में प्रीति गोस्वामी, नेहा देवली, हस्तशिल्प के क्षेत्र में नर्मदा देवी रावत, साहित्य के क्षेत्र में सोनिया आर्या, गढ़वाली लोक गायन के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली पद्मश्री माधुरी बर्थवाल, संगीता राणा, विज्ञान के क्षेत्र में सुधा पाल, अंकिता ध्यानी, शकुंतला दताल और इसी तरह साहसिक कार्यों के लिए विनीता देवी, रीना उनियाल, पैरा बैडमिंटन में मनदीप कौर, सामाजिक क्षेत्र में गीता गैरोला को वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वीरांगना तीलू रौतेली अपने आप में साहस और बहादुरी का प्रतीक है। ऐसे में तीलू रौतेली के बहादुरी के नाम पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में हर जिले में एक एक बहादुर महिला जिसने विषम परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य किया हो उसका चयन कर सम्मानित किया जाता है। किस प्रकार से चयन हुआ और किस प्रकार के कार्य अब उनको करने होते उस पर प्रकाश डाला, ऐसे श्री प्रशांत कुमार आर्या जी और हमारे बीच में उपस्थित सभी हमारे मीडिया कर्मी, हमारे भाई और इसके साथ ही हमारे बीच में आए सभी हमारी मातृशक्ति, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं सबका स्वागत करती हूं, सबका अभिनंदन करती हूं, सबका धन्यवाद करती हूं कि आप सब लोग 13 जनपदों से निकलकर यहां पहुंचे हैं। निश्चित रूप से आप सबकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम के मनोबल को, उत्साह को बहुत बढ़ाने का काम किया है। साथियों, हम सब लोग ये बात जानते हैं कि तीलू रौतेली पुरस्कार किस कारण से दिया जाता है। निश्चित रूप से तीलू रौतेली का पुरस्कार का ध्येय इस बात से जाता है, एक 15 वर्ष की बालिका जिसने अपने पिता के लिए, जिसने अपने दोनों भाइयों के लिए, जिसने अपने मंगेतर के लिए और जिसने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, कत्यूरों के आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए 15 साल की उम्र में जिसने घुड़सवारी सीख ली, 15 साल की उम्र में जिसने तलवारबाजी सीख ली, 15 साल की ही उम्र में जिसने पिता की सेना को संभाल लिया और 15 साल की उम्र में वह संकल्प धारण कर लिया जो माँ ने उससे आह्वान किया, अपेक्षा की, जहां उसने ये जिद करी कि मुझे मेले में जाना है तो माँ ने कहा कि मेले में जाने से बेहतर है कि तुम अपने पिता, अपने भाई और अपने मंगेतर और इसके साथ ही अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ो। ब्यूरो रिपोर्ट सुमात्रा 365। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।